हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग व्लॉग्स विद रेनिका। और आज है मंडाला आर्ट का डे 4 और लास्ट डे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डॉट मंडाला आर्ट, बट मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स मुझसे भी हुई हैं। तो आई होप आप उन मिस्टेक्स से कुछ सीखेंगे और समझ लेंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो चीज़ें। पहले हम स्टोन आर्ट बनाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे एक होम डेकोरेशन का प्यारा सा क्यूट सा आइटम। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गार्डन स्टोन। आप कोई भी स्टोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रफ़ है, आप देख सकते हैं। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए ना इसमें टेक्सचर पेस्ट बनाना पड़ेगा हमें, उसको लगा के इसको स्मूथ बनाएंगे। सो घबराइए मत, हमें कोई भी चीज़ बाहर से नहीं परचेज करनी, आप जस्ट घर में भी इसको बना सकते हैं। तो टेक्सचर पेस्ट बनाने के लिए आपको ये तीनों इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। चलो आइए मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से इसको बनाया जाता है। सो यहाँ पर 1 टीस्पून हम कोई भी टेलकम पाउडर आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून फेविकॉल लेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर लेंगे व्हाइट एक्रिलिक कलर। और इस तरीके से जैसे टूथपेस्ट होता है ना, उस तरीके से कंसिस्टेंसी में बनानी है और उसको अप्लाई कर देंगे हमारे स्टोन पर। आपको इस तरीके से अप्लाई करना है कि जो गैप्स है ना बीच में वो फिल हो जाएं और एक स्मूथ सा सरफेस हम लोगों को मिल जाए। अभी जब ड्राई हो जाए ना, तो इसको मैंने इस तरीके से ब्लैक कलर से कंप्लीट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी फाइनल कोटिंग है वो भी अच्छे से ड्राई हो गई है और अब ये स्टोन जो है रेडी हो गया है पेंटिंग के लिए। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करूँगी। तो मेरे पास तो ये टूल्स हैं, मैं इनको भी यूज़ करूँगी। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो ये टोटली ऑप्शनल है और आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ करूँगी यहाँ पर। और मैं मैच स्टिक से भी यहाँ पर डॉट्स बनाऊँगी और मेरे पेन के जो बैक पोर्शन होता है उससे भी मैं यहाँ पर डॉट्स बनाऊँगी। अच्छा, एक चीज़ और, इसके लिए आप ना इस तरीके के बॉटल वाले एक्रिलिक कलर्स यूज़ कीजिएगा क्योंकि इनकी जो कंसिस्टेंसी रहती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है डॉट आर्ट के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा DIY होम डेकोर आइटम भी बनाएंगे इस कार्डबोर्ड पर। तो चलिए यहाँ पर अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर हम बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है। तो मेरे पास उतना बड़ा कोई आइटम था नहीं, ये ब्रश का एक कवर था मेरे पास। तो मैंने सोचा इसको डिप करके इस तरीके से यहाँ पर टैप करेंगे और मुझे एक राउंड, प्रॉपर राउंड सर्कल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी ना, कलर फिल कर दूँगी और इसके बाद हम वाइट कलर से डॉट्स डालेंगे। और यहाँ पर पेन के बैक से डिप करके हम बड़े वाले डॉट्स बनाएंगे। और यहाँ पर मेरे से ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है। सो जब भी आप भी इस तरीके से टैप करें ना, तो पीछे जब कलर आप लेते हैं ना, तो उसको एक्सेस कलर को निकाल लें। सो अब यहाँ पर हम स्मॉल डॉट्स बनाएंगे। स्मॉल डॉट्स बनाने के लिए मैंने पॉइंटेड टूल यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई सेफ्टी पिन या टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मैच स्टिक इसको ड्रॉ कर डॉट्स बनाने के लिए। सो अब हमारा इतना फ्लावर जो है रेडी हो गया। अब नेक्स्ट डॉट्स डालेंगे और नेक्स्ट डॉट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ईयरबड, जो कि इजीली आपको भी घर में मिल जाएगा। इसके बाद हम इनके जो आउटर हैं इसको भी येलो कलर से बना लेंगे। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कलर कंट्रास्ट आपको आना चाहिए, किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है, ये चीज़ आपको जानना बहुत 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 ज़रूरी है। और इसी चीज़ के पीछे पूरा डॉट मंडाला डिज़ाइन टिका हुआ है। और इस तरीके से हमने यहाँ डॉट बनाया। ओह माय गॉड, एक और मिस्टेक मैंने यहाँ पे की, वो कलर ड्राई नहीं हुआ था और मैंने उसमें दूसरा कलर, लाइट कलर शेड को टैप कर दिया। ये आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले आप अपना एक कलर को ड्राई होने दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर लाइट शेड दीजिए। सो इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लावर कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ जो गैप्स बचे ना, इनमें भी मैं नॉर्मल लाइंस ड्रॉ करके इसको कंप्लीट कर दूंगी जल्दी से। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका शेड आप यूज़ कर रहे हैं आप उसके ऊपर डबल टैप भी कर सकते हैं लाइट शेड से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है। और अगेन आई एम डूइंग सेम मिस्टेक, अभी कलर मेरा सूखा नहीं है और मैं उसको लगी पड़ी हूँ टैप करने के लिए। ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ लेकिन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपने सारे एक्सपीरियंसेस। तो ये था कुछ फाइनल लुक
जब ये ड्राई हो गया ना अच्छे से, फिर मैंने मन भर के इसमें जितने लाइट शेड के डॉट्स डालने थे ना सब डाल दिए। सो कैसा लगा आपको ये वाला डिज़ाइन मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए एक नॉर्मल से गार्डन स्टोन को हमने कितना ब्यूटीफुल सा पीस बना दिए, है ना। तो चलिए अब दूसरा वाला हम DIY जो है आज का स्पेशल DIY उसको शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ सेंटर में इसको मैं यहाँ पर एक सर्कुलर मिरर पेस्ट करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कलर का भी इसको बना सकते हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाऊँगी तो मैं मिरर्स और भी आइटम्स का यहाँ पर यूज़ करूँगी। सो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ट्रायंगुलर शेप के मिरर्स मेरे पास रखे हैं, आपके पास किसी भी शेप के हो तो वो भी चल सकते हैं। और मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर कलरफुल ये ब्यूटीफुल सी पॉम बॉल, इनसे कोई भी क्राफ्ट बनाओ ना तो वो अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। और फेविकॉल ये मेरे मिरर्स के साथ ही आया था तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ग्लू गन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नॉर्मल फेविकॉल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी पेंट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी स्टोन पे जो यूज़ किया था वही उसी को यूज़ करते हुए मैं कोई भी रेंडम डॉट्स बनाऊंगी और उनको कवर कर दूंगी छोटे छोटे डॉट्स से। इस तरीके से मैं यहाँ पर देखिए मैंने ये रेंडम डॉट्स यहाँ पर डाल लिए हैं, और अब इनको आउटिंग कवरिंग जो है ना इनकी छोटे छोटे डॉट्स से मैं इनके दूसरे कंट्रास्ट कलर में दे दूंगी। सो इससे क्या होगा ना ये भर जाएगा, और हमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा इसको कंप्लीट फिल करना है। और एक छोटी सी टिप है, जो बाद में जगह बचे ना वहाँ पर आप कोई भी कलर का डॉट डाल के इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। सो ये था कुछ इसका फाइनल लुक। अगर मैं इसमें बेस पे ब्लैक कलर देती ना तो ये और भी शायद सुंदर लगता, बट मेरे से मिस्टेक हो गई है। सो अगेन आई हैव डिड वन मोर मिस्टेक, आप ये मत कीजिएगा, आप इसको डार्क कलर दीजिएगा, बेस में ब्लैक कलर देंगे तो और भी सुंदर लगेगा। सो चलिए अब इसमें जल्दी से ये मिरर वर्क कर लेते हैं, यहाँ पर इसका बॉर्डर बना देते हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे मिरर पेस्ट कर दिए हैं, मैंने डबल लाइन में पेस्ट किए हैं इस तरह से, और बाद में इसमें पॉम पॉम्स भी साइड्स में लगा दिए हैं। तो आप चाहें तो इसके पीछे कोई भी लूप लगा सकते हैं हैंगिंग के लिए। इसको मैंने रखने वाला बनाया है स्टैंड पे। सो ये कैसा लगा आपको फाइनल लुक इसका मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए इसका फाइनल लुक एंजॉय करते हैं।